इलेक्शन कमीशन, 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 इंपोर्टेड अक्रूवल, इंपोर्टेड अक्रूवल, इंपोर्टेड अक्रूवल, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन. इमरान खान का मुकाबला न सियासी तौर पे और न इंतखाबी मैदान में कर सकते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर इमरान खान ने जो बड़े जलसे किए वो पाकिस्तान की तारीख में न इतने ज्यादा और न इतने बड़े जलसे कभी हुए। इसके साथ साथ 17 जुलाई का इंतखाब आपको याद होगा कि नजर आने वाली और नजर न आने वाली तमाम ताकतें इमरान खान के खिलाफ थी, लेकिन कौम ने इमरान खान के साथ मिलकर तमाम ताकतों को शिकस्त दे दी। इसके साथ परसों भी इंतखाबात में आपने देखा कि इमरान खान का मुकाबला नामुमकिन है और कौम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया और तमाम चोर और डाकू को शिकस्त दे दी, अमेरिका गुलामों को शिकस्त दे दी। इसके साथ साथ इमरान खान को माइनस करने का बड़ा शोर था और हम आपको बार बार आगाह कर रहे थे कि इमरान खान को किसी भी तरीके से माइनस करना चाहते हैं, क्योंकि इंतखाबी और सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला ये नहीं कर सकते। लिहाजा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नून लीग की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है, जो करप्ट टोलों के साथ मिला हुआ है और जिनके मुतनाजिया फैसले सबके सामने हैं, वो तो मिला हुआ था, लेकिन मैं आज जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, 10 दिन पहले कौन गया इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान के पास, उनको पहले भी धमकाने की और डराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो न झुके थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ ये फैसला आप कर ही नहीं सकते, ये फैसला आप गलत करवाना चाहते हैं, वो कड़े हो गए। तो जो मेंबरान